हेलो, आई एम डॉक्टर श्वेता बिश्नोई और ये जो वीडियो सीरीज है ये है थर्मोडायनेमिक्स की। और काफ़ी पहले मैंने आपको बता दिया था कि मैं थर्मोडायनेमिक्स पे वीडियो सीरीज लाने जा रही हूँ, तो देखते हैं कितने दिनों में ये कंप्लीट होगा। थर्मोडायनेमिक्स का हमारा जो पेपर है या कितने वीडियोज में कंप्लीट होगा, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, या ये जो शुरू के हमारे जो एक या दो वीडियो लेक्चर्स होंगे वो इंट्रोडक्शन है इसका, थर्मोडायनेमिक्स का। जो जो हम यहाँ पे टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे या जो जो चीजें हम यूज करने वाले हैं वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे फर्स्ट टू लेक्चर में। देन हमारा लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कंटिन्यूशन में चलेगा। इसमें भी बीच बीच में पार्ट आएगा, ऐसा नहीं है जो हम बताएंगे उसमें वो टर्मिनोलॉजी ही रहेगा खाली। तो स्टडी ऑफ एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन बॉडीज एंड कन्वर्जन ऑफ द सेम अमाउंट इंटू अ मैकेनिकल एनर्जी और वाइस वर्सा इज कॉल्ड अ थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मो मीन्स टेम्परेचर, डायनेमिक्स मीन्स चेंज और एक्सचेंज या मोशन, तो वहां से ये थर्मोडायनेमिक्स आया है। इट इज द थ्योरी ऑफ अ हीट एज वेल एज थ्योरी ऑफ मैकेनिक्स सपोर्टेड बाय सर्टेन एक्सपेरिमेंटल फैक्ट। इट हेल्प्स इन द डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ सच डिवाइसेस टू ऑप्टेन मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली जो हमारा ये पेपर है एक्सचेंज ऑफ हीट से या टेम्परेचर से रिलेट करता है, उसकी डायनेमिक्स से रिलेट करता है। तो अब हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। पहले जो टर्मिनोलॉजी हम यहाँ पे यूज करते हैं वो होती है सराउंडिंग्स और सिस्टम। तो क्या सिस्टम है, क्या सराउंडिंग्स है पहले, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ हीट की बात कर रहे हैं। तो एक्सचेंज ऑफ हीट कहाँ पर हो रहा है, तो जिस जगह की हमें एक्सचेंज, जिस पॉइंट का हमें टेम्परेचर का वेरिएशन हम देख रहे हैं वो हमारा सिस्टम होता है। सपोज यहाँ पे अभी जैसे सामने आपके स्क्रीन है, अगर स्क्रीन में मैं बोलने लगूँ कि इतना पोर्शन है जिसका मुझे सारे पैरामीटर्स, डायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स देखनी है, मतलब क्या इसका टेम्परेचर है, यहाँ पे क्या प्रेशर है, तो इतना एरिया हमारा सिस्टम कहलाएगा और इसके आसपास की जो भी पार्ट्स होंगे वो सराउंडिंग्स हो जाएंगे। इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं। सपोज हमने गैस लिया, गैस को किसी सिलेंडर में हमने फिल्ड कर दिया, तो जो सिलेंडर के अंदर हमारा गैस है, क्योंकि हम उसका प्रेशर देखना चाह रहे हैं, उसका टेम्परेचर देखना चाह रहे हैं, तो वो जो गैस के अंदर सिलेंडर के अंदर गैस है दैट इज कॉल्ड सिस्टम। और जो उसके आसपास की चीजें हैं वो उसकी सराउंडिंग्स हो जाएंगी, जैसे पिस्टन हमने किस प्रेशर में लगाया, या बर्नर हमने अगर उस सिलेंडर के नीचे यूज कर रखा है वो। तो एनी पोर्शन ऑफ मैटर विच इज कंसिडर एज अ सेपरेट फ्रॉम इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड अ सिस्टम। All those things which are outside that the system influences behavior are known as surrounding of the system. For example, अभी मैंने बताया, let a gas be filled in a cylinder fitted with piston heated by a burner. Here the gas is the system, where the piston and burner are the surroundings. The behavior of the system can be described into two type of properties. तो दो तरीके की properties से हम system को describe करते हैं। एक होता है macroscopic properties, एक होता है microscopic properties. तो नाम से वैसे आपको पता है macroscopic properties जो देखी जा सकती हो, जिनको हम easily identify कर सके, measure कर सके। microscopic properties जिनको एकदम से measure नहीं किया जा सकता है ना। micro normally हम जानते भी हैं, micro level क्या हो जाता है, जो small properties हो जाती हैं, जिनको नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, तो या हम उनको ऐसे इजीली मेजर नहीं कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। इनको थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं कि क्या होती है माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज और क्या होती है माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। तो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, दीज आर द प्रॉपर्टीज विच डिस्क्राइब ग्रॉस करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम, can be measured directly in the laboratory, can usually be directly experienced by our sense of perceptions. So they are not connected with the structure of the system. कि structure कैसा है उससे relate नहीं करती हैं। Thus the above example like chemical composition, pressure, volume, temperature, internal in energy, entropy are the examples of macroscopic properties of the गैस और सिस्टम, है ना। गैस का मतलब हम सिस्टम की बात कर रहे हैं। माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, दीज आर द प्रॉपर्टीज विच डिस्क्राइब द इंटरनल स्ट्रक्चर, एटम और मॉलिक्यूल ऑफ द सिस्टम, कैन नॉट बी मेजर डायरेक्टली इन द लेबोरेटरी,
कैन नॉट बी डायरेक्टली एक्सपीरियंस बाय अवर सेंस ऑफ परसेप्शंस। और जैसे वेरिएबल्स हो गए पोजिशन, वेलोसिटी, एनर्जी, मोमेंटा ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस आर माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। रिलेशन बिटवीन मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज एंड माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। तो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज एंड मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज आर सिंपली द डिफरेंट वे टू डिस्क्राइबिंग द सिस्टम, सेम सिस्टम, हैंस दे मस्ट बी रिलेटेड टू इच अदर, क्योंकि दोनों सिस्टम की प्रॉपर्टीज बता रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि दोनों अलग अलग चीज हैं, दोनों एक ही चीज है, एक दूसरे से इंटरलिंक करती हैं। बट माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हम डायरेक्टली समझ पाते हैं, नोट कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रेशर ऑफ अ गैस इज रिलेटेड टू एवरेज रेट चेंज ऑफ मोमेंटम। तो प्रेशर कब होता है? जब रेट चेंज ऑफ मोमेंटम एवरेज, हम सारे मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं ना, उसकी वजह से प्रेशर बनेगा। ड्यू टू ऑल मॉलिक्यूलर कोलिजन मेड ऑन यूनिट एरिया। तो यूनिट एरिया पे कितना मॉलिक्यूल्स प्रेशर बना रहे हैं वो पता लगेगा, लेकिन जो रेट चेंज ऑफ मोमेंटम है ऑल मॉलिक्यूल्स का एवरेज जो है वो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है, माइक्रोस्कोपिक। जबकि जो प्रेशर है, प्रेशर हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, दैट इज मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। तो हायर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, हायर द प्रेशर। हेयर प्रेशर इज द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, वेयर द रेट चेंज ऑफ मोमेंटम ड्यू टू मॉलिकुलर कोलिजन इज अ माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। सिमिलरली दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं हम। टेम्परेचर ऑफ अ गैस, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज इज रिलेटेड टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ इट्स फर्स्ट इट्स मॉलिक्यूल, विच इज माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं, इजिली मेजर कर सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं, इजिली मेजर नहीं कर सकते हैं, तो अलग अलग मेथड से हम मेजर कर सकते हैं। तो नॉर्मली हम माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज लैब में मेजर करते हैं। प्रेशर एंड वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज और माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है, हम प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तो ये प्रॉपर्टीज मैक्रोस्कोपिक है कि माइक्रोस्कोपिक है? अभी मैंने आपको प्रेशर का एग्जाम्पल बता दिया, प्रेशर तो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है। दीज प्रॉपर्टी विच हैव नो मीनिंग फॉर इंडिविजुअल मॉलिक्यूल बट ऑल द लार्ज कलेक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ये सारी प्रॉपर्टीज अकेले एक मॉलिक्यूल की नहीं होती, पूरे कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की होती है। दे कैन बी डायरेक्टली एक्सपीरियंस बाय अवर सेंस ऑफ परसेप्शन, कैन बी मेजर इन लेबोरेटरी, हेंस दे आर इंट्रेंसिकली माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज और कंसेप्ट। सो मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स विच डिपेंड अपॉन माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल, एग्जाम्पल प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर ऑफ अ गैस आर द माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। नाउ अनदर पॉइंट्स जो हमें पता होना चाहिए, इंटरनल एनर्जी क्या होती है? इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज अ सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ सिस्टम। इट इज डिनोटेड बाय यू। इंटरनल एनर्जी यू ऑफ अ सिस्टम इज अ फंक्शन ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड इट इज गिवन बाय यू इक्वल टू एफ टीवी। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों का फंक्शन होता है इंटरनल एनर्जी, और इंटरनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है। तो यहाँ पे ये चीजें मैं क्यों बता रही हूँ? क्योंकि हमें थर्मोडाइनेमिक्स पढ़नी है, वहां पे ये टर्मिनोलॉजी हम यूज करने वाले हैं, तो क्योंकि वहां पे हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, वहां पे जो और चीजें हैं उन पे डिस्कस किया जाएगा, है ना? तो एक बार हमें ये सारी टर्मिनोलॉजी पता हो तो यू नॉर्मली हम इंटरनल एनर्जी के लिए डिनोट करेंगे। आइसोथर्मल प्रोसेस। अब आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? आइसोथर्मल प्रोसेस इन विच प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ सिस्टम चेंज एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। फॉर दिस फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी फुलफिल। कौन कौन सी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए? देयर शुड बी अ फ्री एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो सिस्टम और सराउंडिंग में जो एनर्जी है वो इजिली, या हीट जो कह लीजिए, हीट जो है इजिली मूव कर सकती हो। ऑल वॉल ऑफ कंटेनर मस्ट बी परफेक्टली कंडक्टिंग। द सिस्टम शुड बी कंप्रेस्ड और अलाउड टू एक्सपेंड वेरी स्लोली सो दैट देयर इज अ सफिशियंट टाइम टू एक्सचेंज द हीट बिटवीन सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग। सिंस दीज टू कंडीशन आर नॉट फुली रियलाइज्ड इन प्रैक्टिस, देयर फोर नो प्रोसेस इज परफेक्टली आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल प्रोसेस परफेक्टली नहीं होता है, बट इसमें क्या होता है कि हम कोशिश करते हैं ऐसा कंटेनर या ऐसा सिस्टम बनाने की जहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस हो सके। तो क्या होना चाहिए? हीट का एक्सचेंज होना चाहिए,
सराउंडिंग्स और सिस्टम के बीच में उसकी जो वॉल्स हैं वो परफेक्टली कंडक्टिंग होनी चाहिए। साथ में हम अगर हम उसको कंप्रेस कर रहे हैं या चेंज कर रहे हैं, जो हीट है एक्सचेंज कर है वो हम स्लोली चेंज करते हैं, ठीक है। तो कंप्रेस कर रहे हैं चाहे उसको एक्सपेंड कर रहे हैं सिस्टम को, वो स्लोली करते हैं। नेक्स्ट आते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है? अ प्रोसेस इन विच प्रेशर वॉल्यूम ऑफ अ सिस्टम चेंज बट देयर इज नो चेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड एडियाबेटिक प्रोसेस। तो वो प्रोसेस जहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हो रहा है बट हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो मतलब हम जब उसको चाहे कंप्रेस कर लें चाहे एक्सपेंड कर लें, हीट का एक्सचेंज नहीं होना है, ठीक है, लेकिन वॉल्यूम और प्रेशर चेंज हो सकता है। तो इस तरीके का जो सिस्टम है वो एडियाबेटिक प्रोसेस कहलाता है। इसके लिए कौन कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए? दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। देयर शुड बी एक्सचेंज, नो एक्सचेंज मतलब बिटवीन सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग्स। ऑल वॉल्स आर कंटेनर मस्ट बी परफेक्टली इंसुलेटिंग। जो वॉल्स हैं वो परफेक्टली इंसुलेटिंग होनी चाहिए क्योंकि एक्सचेंज नहीं होना है हीट का। द सिस्टम शुड बी कंप्रेस्ड और अलाउड टू एक्सपेंड सिस्टम सो दैट देयर इज नो टाइम फॉर एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो है क्या, सिस्टम को जब हम एक्सपेंड और कंप्रेस कर रहे हैं वो स्लोली नहीं करेंगे, एकदम से करेंगे, क्योंकि हम हीट को एक्सचेंज नहीं कराना चाह रहे हैं। अगर स्लोली स्लोली करेंगे तो मे बी हीट का भी एक्सचेंज हो, ठीक है। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में जो प्रोसेस होता है वो सडन होता है। सिंस टू कंडीशन आर नॉट फुलफिल रियलाइज इन अ प्रैक्टिस सो नो प्रोसेस इज परफेक्टली एडियाबेटिक। तो परफेक्टली एडियाबेटिक प्रोसेस भी नहीं होता है। थर्ड है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है? अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस दैट टेक प्लेस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड आइसोकोरिक और आइसो वॉल्यूम। तो अगर हम वॉल्यूम को कॉन्स्टेंट रखते हैं तो दैट इज कॉल्ड आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोबरिक जहां प्रेशर को थर्मोडायनेमिक प्रोसेस दैट टेक प्लेस एट अ कॉन्स्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड आइसोबरिक। अगर हम प्रेशर को कॉन्स्टेंट रखते हुए प्रोसेस कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड आइसोबरिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस अ प्रोसेस विच कंसिस्ट अ सीरीज ऑफ चेंज विच रिटर्न द सिस्टम बैक टू इट्स इनिशियल स्टेट इज कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस। क्या हुआ, हमने स्टार्ट किया यहाँ से यहाँ आ गए, यहाँ से यहाँ आ गए, यहाँ से यहाँ आ गए, फिर वापस उसी पॉइंट पे आ गए जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। जिस या इसको और भी फॉर्म बना दीजिए, जहाँ से हमने स्टार्ट किया वहीं पर हम अगर वापस आ गए दैट इज कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस। हम चेंज कर रहे हैं बट एट लास्ट में हम सेम उसी पोजिशन पे वापस आ जा रहे हैं। टेम्परेचर, थर्मल इक्विलिब्रियम एंड जीरोथ लॉ। तो ये चीजें हैं जो, और इसमें नेक्स्ट लेक्चर में हम थर्मल इक्विलिब्रियम और जीरोथ लॉ पढ़ेंगे। आज हम बस टेम्परेचर की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो टेम्परेचर की डेफिनेशन पढ़ने से पहले क्वेश्चन जो नेक्स्ट हम उसमें डिस्कस करने जा रहे हैं उनको देख लेते हैं। तो एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर एंड थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट एंड एक्सप्लेन जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। तो अगर हम यूनिट की बात करें तो जीरोथ लॉ जब हम स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनेमिक्स का, तो एक्चुअल में जो सिलेबस होता है किसी भी यूनिवर्सिटी में वहां से ही स्टार्ट होता है, या थर्मल इक्विलिब्रियम से भी स्टार्ट हो जाता है। तो टेम्परेचर का कंसेप्ट और है, मैं आज ही डिस्कस कर लेती हूँ उसको। फिर नेक्स्ट जो हमारा इसका वीडियो होगा वो प्योरली सिलेबस बेस्ड हो जाएगा। तो जो भी टर्मिनोलॉजी मुझे डिस्कस करनी थी वो टर्मिनोलॉजी मैंने आज डिस्कस कर ली है कि ये चीजें हम यूज करेंगे। तो क्योंकि वहां पे मैं आपको नहीं बताने वाली हूँ कि एडियाबेटिक क्या है या आइसोथर्मल क्या है, वहां पे तो सिंपल हम इन प्रोसेस के नाम यूज करेंगे। तो वहां पे या एडियाबेटिक प्रोसेस में या आइसोकोरिक में या आइसोबारिक में क्या चीज रहती है वो आज आपको डिस्कस कर लिया है, ठीक है। टेम्परेचर और कर लेते हैं। टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज अ मेजर ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। नॉर्मली देखिए, अगर आपके पास में कोई दो ऑब्जेक्ट दे दूँ और मैं आपसे पूछूं कि इसमें से कौन सा गर्म है कौन सा ठंडा है ये क्या है, तो आप उसको छूकर बता देंगे कि ये गर्म है कि ये ठंडा है। तो जो सेंस हमें ये बता पा रहा है कि ये गर्म है ये ठंडा है उसको हम टेम्परेचर बोलते हैं, कि हमने उसका टेम्परेचर आइडेंटिफाई कर लिया। इट इज डिस्टिंग्विश हॉट बॉडीज फ्रॉम द कोल्ड बॉडीज।
बाय अवर सेंस ऑफ टच फॉर एग्जाम्पल बाय विच वी कैन रफली अरेंज अ बॉडी इन ऑर्डर टू देयर हॉटनेस डिसाइडिंग. अगर मैं यहाँ पे चार पांच बॉडीज दे दूँ या स्टोन ही दे दूँ कि प्लीज आप मुझे बताओ इन्हें अरेंज करो इनकी हॉटनेस से कूलनेस की तरफ से, तो आप उसको टच करके बता सकते हैं कि ये सबसे गर्म है और ये सबसे ठंडा स्टोन है. ठीक है, या मैं उनको नेम दे देती हूँ कि आपके पास ए बॉडी है, बी बॉडी है और सी बॉडी है, और आपको ये बताना है कि कौन सा गर्म है कौन सा ठंडा है, तो आप छूकर इसे बता सकते हैं और फिर बता सकते हैं कि कैसे इसको अरेंज करना है. ठीक है, कि ए इज हॉटर देन बी और बी इज हॉटर देन सी एंड सो ऑन. दिस इज नोन एज अवर टेम्परेचर सेंसर्स एंड इट इज सेट टू दैट ए इज हायर टेम्परेचर देन बी एंड बी इज हायर टेम्परेचर देन सी. तो हम फिर उसको, क्योंकि हम सेंस से बता पा रहे हैं कि कौन सा गर्म है कौन सा ठंडा है, तो हम बता पाते हैं कि इसका टेम्परेचर हमें पता है और ये हॉटनेस और कोल्डनेस मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं. तो इस वीडियो को तो हम यहीं पे एंड करते हैं. आज जितना भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया वो सब रिकैप था सिलेबस पढ़ाने से पहले. एक बार जनरली वो सारे पॉइंट डिस्कस करने थे, तो बहुत डिटेल में ऐसा कुछ डिस्कस मैंने किया नहीं, सिर्फ प्रोसेस के बारे में बताया कि ये प्रोसेस होते हैं. नेक्स्ट लेक्चर से हमारा ये सिलेबस स्टार्ट हो रहा है थर्मोडाइनमिक्स का, तो देखते रहिए वीडियो, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए वो भी पढ़ लेंगे, और कमेंट सेक्शन में आपके जो डाउट्स आएंगे हम नेक्स्ट वीडियो से तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं, जिससे मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में उसको इंक्लूड कर लिया करूंगी. आज तो कुछ ऐसा था नहीं, बट फिर भी अगर आज के पे भी कोई डाउट है तो आप आज के लिए भी कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं अगर आपका कोई डाउट है, और देखते रहिए मोटिवेशन देते रहिए. थैंक यू.